हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ वाई स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा ये वीडियो रहेगा वो मैथ के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, है ना। तो आज मेरा ये वीडियो है वो बेसिक मैथ का वीडियो है। यहाँ आप लिखे हुए देख ही रहे होंगे, मैं ये वीडियो जो आपका रहेगा वो मैथ का बेसिक वीडियो रहेगा, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में नंबर्स। बोले ना कि ये बेसिक मैथ का वीडियो है, तो ये नंबर्स एक बेसिक मैथ का एक बेसिक है ना। वही अब और अपना थाउट जो हमेशा मेरे वीडियो में देखोगे आप, नेवर गिव अप, कभी नहीं हारना है, कभी नहीं झुकना है, आके बढ़ता चला जाना है ना। मुश्किलों को हराना है, मुश्किलों से लड़ना है। तो आइए और हम और आप मिलकर नंबर्स की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं दोनों मिलकर, ओके। तो नंबर्स मीन्स इसका हिंदी अगर कहा जाए, एक बात जान लीजिए आप लोग कि ये जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी और बिहार बोर्ड के, मतलब कहने का मेरा अर्थ कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश के बच्चों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होंगे, है ना। तो अब हम नंबर्स को हिंदी भी लेते चलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम ना हो, वो भी अच्छे से इसे समझे और इंग्लिश में भी साथ साथ, ओके। तो नंबर्स का अर्थ होता है संख्या, आपने पढ़ा होगा। ये चैप्टर जो है वो क्लास सिक्स का चैप्टर है और आगे 7, 8, 9, मतलब ये इसी का उपयोग हम मैथ्स में करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर्स का क्या बोले, मैंने क्या बोला, संख्या। साइड में लिख लोगे अगर लिखना चाहो तो आप लोग, संख्या, है ना। नंबर्स का क्या अर्थ हुआ, संख्या। तो हम लोग नंबर्स का सबसे पहला जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। हिंदी वालों के लिए प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, है ना, ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर कहते किसको है। गिनती आपने पढ़ा होगा बचपन में, काउंटिंग्स, काउंटिंग नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। वही जो संख्या है उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो हिंदी में आप लिख सकते हो, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इंग्लिश में अगर लिखना, इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो काउंटिंग, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड, या नंबर इज कॉल्ड, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज नंबर्स, या नंबर्स भी आप कर सकते हो, नंबर्स आर कॉल्ड दे दो, यहां लगा दो आप, अगर नंबर्स लिखे हो तो आर लगा देना। वैसे ये डिफिनेशन नहीं पूछता है, ये आपके जानकारी के लिए, नंबर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड कौन सा, नेचुरल नंबर, कौन सा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इतना तक समझने में आप लोगों को दिक्कत, क्या बोले, नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृत संख्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे और या नेचुरल नंबर्स कहेंगे। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो आप लोग एग्जाम्पल इसका दे सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मीन्स अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे अगर आपको स्मॉलेस्ट काउंट ये नेचुरल नंबर बोले तो क्या बोलिएगा आप, एक, क्या बोलेंगे, एक। अगर आपको पूछे कि इसका लास्ट कहां होता है तो इसका लास्ट नहीं होता है, उसे इंडिफिनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिफिनिट, उसका लास्ट है ही नहीं, है ना। लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछे तो वो क्या है, प्राकृत, ये वन, क्या है, वन। अब दूसरा नंबर में चलते हैं हम, दूसरे नंबर में आ जाता है आपका होल नंबर, कौन सा आता है,
होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो काउंटिंग नंबर तो आपने देखा कि ये वन से स्टार्ट होता है और इनफिनिट तक जाता है, लेकिन अगर हम काउंटिंग नंबर्स में, अगर हम प्राकृत संख्याएं में, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे? जीरो, जिसके खोजकर्ता जो है आर्यभट्ट है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आर्यभट्ट इसके खोजकर्ता है जीरो के, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या बोल रहे थे हम कि नेचुरल नंबर्स में आप अगर जीरो को ऐड कर देते हो तो वो क्या कहलाता है? अपना होल नंबर। क्या कहलाता है? होल नंबर। तो हिंदी के विद्यार्थियों का अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दे तो वो होल संख्या या होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाता है। और इंग्लिश के लिए काउंटिंग नंबर्स, फिर वही काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स विथ जीरो, विथ जीरो दे दो या जीरो, सही, विथ जीरो इज कॉल्ड क्या? होल नंबर। इज कॉल्ड क्या? होल नंबर। इज कॉल्ड होल नंबर। इज कॉल्ड होल नंबर, पूरा लिख देते हैं अच्छे से। इज कॉल्ड होल नंबर। इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक। दिक्कत, पहला काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर क्या था? एक से स्टार्ट हुआ वो नेचुरल नंबर, इंडिफिनिट तक जाए, अगर उसमें इसके पहले, एक के पहले जीरो हम ऐड कर दिए, मतलब प्राकृत संख्या में जीरो हमने ऐड कर दिया तो वो हो गया होल नंबर, और ये भी इंडिफिनिट तक जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, सिर्फ जीरो ऐड कर दो, बाकी वो ही सब रहेगा, बाकी सब वही रहेंगे, बाकी सब वही रहेंगे। अब तीसरा पर आ जाते हैं अपना, इंटीजर्स क्या? इंटीजर्स क्या? इंटीजर्स, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखो, हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, मतलब नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, अब आते हैं इंटीजर्स पर। अब होल नंबर में आप, होल नंबर ये जीरो वाला जो जिसमें जीरो ऐड है, होल नंबर में आप अगर निगेटिव नंबर जोड़ देते हो, निगेटिव नंबर, अब बोलोगे निगेटिव नंबर क्या है? तो ये आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, यहां पर जीरो रहता है, इधर आपके जो इधर लेफ्ट इधर राइट, राइट साइड जो हो गया वो हो गया 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव होते हैं, क्या रहते हैं? पॉजिटिव। और जो इधर वो रहते हैं, इधर होते हैं, वो क्या होते हैं? निगेटिव। क्या होते हैं? निगेटिव। तो किसको ऐड किया हमने? निगेटिव को। किसमें ऐड किया? होल नंबर्स में हमने निगेटिव नंबर्स को ऐड किया, तो क्या बना? पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। क्या बना वो? इंटीजर्स बना। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहोगे हिंदी में तो लिख सकते हो कि होल नंबर में अगर हम निगेटिव मीन्स ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। और इंग्लिश में लिखोगे तो बोलेंगे होल नंबर्स विद जीरो, सॉरी विद निगेटिव नंबर्स, विद निगेटिव नंबर्स, विद निगेटिव नंबर्स, विद होल नंबर नंबर्स विद निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अब तीनों को एक साथ समझते हैं, यहां से पहले यहां तक आपको देखना नहीं है। वन से स्टार्ट हुआ नेचुरल, जीरो को हमने ऐड किया होल, निगेटिव को ऐड किया इंटीजर्स। समझ में आया? वन से स्टार्ट हुआ नेचुरल, जीरो को ऐड किया होल, होल में निगेटिव ऐड किया इंटीजर्स। इतना तक दिक्कत किसी को समझने में? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स समझने में दिक्कत नहीं? एक बार अगर आप चाहो तो फट से
इसका स्क्रीनशॉट लोगे फट से, हो गया, क्योंकि हम मिटाएंगे इसको, फट से स्क्रीनशॉट लोगे इसका, हो गया, समझने में दिक्कत नहीं ना? ओके, एक बार फिर से मिटाने से पहले नेचुरल नंबर क्या कहेंगे, जो एक से स्टार्ट हो जाए उसको नेचुरल नंबर, होल नंबर कहेंगे, जो जीरो ऐड कर दे तो होल नंबर, और निगेटिव्स ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा, इंटीजर अपना कहलाएगा। ठीक, मिटाने जा रहे हैं हम, आगे हम पढ़ेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। नाम सुना होगा आप लोगों ने, इवन नंबर्स और कौन सा, ऑड नंबर, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट, होल नंबर जीरो से स्टार्ट, और अपना इंटीजर्स नेगेटिव, है ना। अब हम जानते हैं एक और नंबर के बारे में, उसका नाम है इवन, क्या बोलते हैं उसको, इवन नंबर क्या बोलते हैं, अगर इसको बोलोगे इसमें सम संख्या, क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब सम संख्या समझोगे ये कौन सी बीमारी है, सम संख्या समझो, सम संख्या जो है कितना नंबर का था, ये चौथा ना, तीन बता दिए ना पीछे, चौथा। सम संख्या किसको बोलते हैं, अब समझेंगे हम। सम संख्या वैसी संख्या होती है या इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो दो से कट जाए, दो से डिवाइड हो जाए। जैसे बोले हमने चार, दो से डिवाइड होगा ना, जैसे बोला हमने बारह, दो से डिवाइड हो रहा है ना, तो जो संख्या है दो से पूरी पूरी कट जाए उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर, या उसको कहेंगे हिंदी में सम संख्या। हिंदी में उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाए, पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, उसको हम इवन नंबर या सम संख्या कहेंगे। और इंग्लिश के बच्चों के लिए कहा था मैंने कि ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम अनंबर्स, अनंबर, अनंबर डिवाइडेड बाय किससे, टू, अ नंबर डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अ नंबर, यहां जोड़ देना एक लगा देना एग्जैक्टली, क्या लगाओगे, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय, जो पूर्णतः कट जाए, पॉइंट में दशमलव में ना आए, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर, इज कॉल्ड इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाए, एग्जैक्टली कट जाए, पूर्णतः कट जाए, उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर, उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर। इसका एग्जांपल लिख दोगे तो, इंटीजर्स का एग्जांपल लिख दिया था ना आपने, नेगेटिव को जोड़ दोगे साथ में, है ना, इसका एग्जांपल लिखोगे आप, दो, एक होगा नहीं, तीन होगा नहीं, चार, पांच होगा नहीं, छ, सात हो गए नहीं, आठ, इसके यही मतलब दो का पूरा मल्टीपल, दो से जो कट जाए, दो से कट जाए, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं होगा, है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं एक और संख्या पांचवें नंबर पर, जिसको कहते हैं ऑड, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, क्या कहते हैं उसको, विषम संख्या, विषम संख्या, क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब विषम संख्या जो होता है ठीक इसके उल्टा होता है, क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होता है, क्या होता है, वैसे नंबर्स जो दो से ना कटे, ये क्या था, दो से कटने वाला, और वैसे नंबर्स जो दो से ना कटे उसको क्या कहेंगे, विषम। तो ये हिंदी में लिख लोगे, वैसे संख्याएं जो दो से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं, और इंग्लिश के लिए अ नंबर, अ नंबर Did not divided by divide by two is called, is called, क्या बोलेंगे उसको, odd number, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे odd number, क्या बोलेंगे, odd number। इसमें क्या बोला, even number में मैंने, वैसे numbers जो दो से क
कट जाए उसको इवन नंबर, जो दो से ना कटे उसको ऑड नंबर, उसको क्या बोलेंगे ऑड नंबर। इसके एग्जांपल में एक तीन चार होगा नहीं, पांच छ तो होगा ही, सात, इसके फिर ये भी इंडिफिनिट, ये भी इंडिफिनिट बढ़ता चला जाए, कहीं भी लास्ट इसका ना हो, है ना। फिर से शुरू से आ जाते हैं हम लोग, यही आपके पांच नंबर्स जो है, और बचे बहुत सारे नंबर्स, जैसे आपका प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर है, और रेशनल नंबर है, नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, है ना, क्योंकि उस पर एक अलग फ्री टाइम देना पड़ेगा मुझको, मेरे को प्राइम प्राइम नंबर्स अलग से मैं समझाऊंगा उसको। अब इतना आप लोगों ने समझ लिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो फट से जल्दी से। आर्यावर्त, आर्यावर्त होता है बच्चे, आर्यावर्त, हाँ, ये जीरो के आविष्कार किए थे इन्होंने, इन्होंने किया था जीरो को, खोजा था, है ना, हो गया। चलो फिर से एक बार पूरा रिवीजन, फुली रिवीजन करते हैं दोनों मिलके। पहला आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, एक दो एक से जो स्टार्ट होता है, फिर उसमें जीरो ऐड कर दिए तो उसको क्या कहलाया, होल नंबर कहलाया, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स, जीरो में हम निगेटिव हमने ऐड कर दिया तो वो इंटीगर्स कहलाए, फिर कहला ये इवेन नंबर अपना आ जाता है जिसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होते हैं, जो दो से पूर्ण तक कट जाए, एग्जैक्टली जो दो से विभाजित हो जाए, दो से कट जाए उसको हम इवेन नंबर कहते हैं, और ऑड नंबर विषम संख्या जो दो से ना कटे उसको ऑड नंबर कहते हैं। इतना तक दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब रिविजन थोड़ा सा एक बार घर में पढ़ोगे बस आपका हो जाएगा पक्का ये, ओके सही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ के विद्यार्थियों के लिए, ये था मेरा बेसिक मैथ, और बेसिक अभी और बेसिक ही चलाऊ मेरा चलेगा, एक दो वीडियो और तीन चार वीडियो आएगा बेसिक पे आपके लिए, और लास्ट में यही कहूंगा इसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए और इसको समझ के पढ़िए, है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। ये सब मैथ के बेसिक है, अगर आप इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होती है तो आपको मैथ बनाने में दिक्कतें हो सकती है, है ना। तो लास्ट में यही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं फिर से नया वीडियो लाता हूं तब ना आपको पता चलेगा कि भैया ने नया वीडियो लाया है, ओके। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेवर गिव अप के साथ, ओके।